स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फॉर नाइन्थ क्लास बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर्स। इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास। एज वी नो नंबर्स आर मेनी टाइप्स सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। तो अब हम इनके विषय में बारी बारी से क्रम से पढ़ेंगे। फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? हमारे वो गिनती वाले अंक, जैसे हम एक से गिनना शुरू करते हैं, एक दो तीन डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट अनंत तक, ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर टू होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? इनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल इतना सा फर्क है कि केवल जीरो को होल नंबर्स में शामिल कर लिया जाता है, अर्थात होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, केवल जीरो और इनमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे जीरो एक दो तीन डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नंबर थ्री इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। इंटीजर्स पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक ना कि पूर्ण संख्या। इंटीजर्स और होल नंबर्स में ये अंतर होता है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण अंक है। समझने वाली और ध्यान देने वाली बात यही है इसी में इंटीजर्स में कि ये पूर्णांक होते हैं। जैसे जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू इनफाइनाइट, इधर प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू इनफाइनाइट, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिन संख्याओं को अर्थात जिन अंकों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूर्णांक कहलाते। नंबर फोर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात संख्या हमारी अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन जाती है, और क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है परिमेय संख्या की? P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब सहखंडज, अर्थात इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन फैक्टर नहीं होता, या ये कहें एग्जाम्पल के तौर पर टू बाई थ्री, दो और तीन का एक के सिवाय कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं, अर्थात इनको ऊपर नीचे एक संख्या से नहीं काटा जा सकता, परिमेय संख्याएं कहलाती है। नंबर फाइव इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अर्थात अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अप
संख्या परिमेय संख्या का अर्थात रेशनल नंबर का पूरी तरह से विपरीत रूप अर्थात अपोजिट होता है, अर्थात जो गुण रेशनल नंबर में होते हैं वो इरेशनल नंबर में नहीं होते, या दूसरे शब्दों में कहें जिस संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और पी और क्यू दोनों को प्राइम नहीं होते इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर 0.01001001 एटसेट्रा इरेशनल नंबर्स कहलाते। नंबर सिक्स रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्या। संख्याओं को हम प्रमुख रूप से दो प्रकार की संख्याओं के रूप में बांट सकते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो ये जितनी भी संख्या है जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी संख्याओं को इकट्ठा करके हम एक थैले में डाल दें तो वो सभी मिलकर के रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अर्थात रियल नंबर्स में क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर कोमा होल नंबर कोमा इंटीजर्स कोमा रेशनल नंबर कोमा इरेशनल नंबर, इन सभी का एक सेट, एक समूह या समुच बन जाए उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं।